महाराज पालकी च जाते होंगे सन ते एक गुरु साहब अपने हाथ च छड़ी जरूर रखते सन। हर गुरु साहब का आपो अपनी जी जिमें गुरु हरगोबिंद साहब दो कृपाना पाते सन, गुरु हर राय साहब शस्त्र धारण करते सन, पर गुरु हरकृष्ण साहब हाथ सोटी रखनी। जदों महाराज की पालकी लंघी तो लोगों ने उच्ची जात वाले ने कहा देखो निक्का जिहा बच्चा बिठा दिता, ईरखा तो होंदी है ना, पांच साल की उम्र। हुण तुसीं पांच साल की उम्र च कितें दाते दे दर्शन करो, पालकी तुरे जा रहा लैके, रस्ते विचों आवाज आउंदी है रोण दी खाए खाए कुरलान दी, ते महाराज कहिंदे आ कहारां नूं सिखां नूं पालकी रोक दिओ, पर्दा पासे कर दे आ, ते कोड़ी उठ पैंदा जिहदे हथ पैरां दे विच सच्ची मुची खून सिमदा है, कहिंदा बाला प्रीतम तुसीं गुरु नानक दी जोत दे मालक हो, मैनूं पता है गुरु नानक ने कोड़ी दा रोक कट्टिया दीपालपुर, गुरु अमरदास ने प्रेमे दा रोक कट्टिया गोइंदवाल, तुहाडे अंदर जोत मेरा रोह कट्टो। महाराज रुमाल सट के कहिंदे पुरखा भेजिया जिन्ना तेनू उन्हां दी नीयत माड़ी है पर तेरी नीयत चंगी है, आ पकड़ रुमाल गुरमुखो चेते रखियो, मैं फिर मैं बेनती करांगा, मैनू पता है शब्द नूं सुन के कहणगे ब्राह्मणवाद दे की गल्लां, ओ रुमाल नहीं, उस रुमाल विच गुरु हरकृष्ण साहब दी कमाल है। महाराज ने रुमाल दिता, कहन लगे देते तन ते लाह तू, गुरमुखो नाल क्या गुरु नानक साहब भली करनगे, सचमुचो बंदा अरोग हो गया।